वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। टुडे वील डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च फोर्थ वीक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर फिर से अपॉइंट किया गया जय शाह को। देखो, एक्चुअली जय शाह को 2021 के अंदर ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनको रीअपॉइंट किया गया है और उनका टेंजर बढ़ाया गया है 2024 तक। अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया लेवल के ऊपर क्रिकेट का रेगुलेटर कौन है। इंडिया लेवल के ऊपर BCCI, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसी तरह एशियन लेवल के ऊपर क्रिकेट का रेगुलेटर है एशियन क्रिकेट काउंसिल, राइट। तो अभी उसी एशियन क्रिकेट काउंसिल को के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जय शाह को 2024 तक, राइट। अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इट इज़ अ सब ऑर्डिनेट टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का वो सब ऑर्डिनेट है, और जितनी भी एशियन कप की जो टूर्नामेंट्स होती है ना, एशिया कप की जो टूर्नामेंट्स होती है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, राइट। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UAE के अंदर। उसको कब फॉर्म किया गया था? 1983 के अंदर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर किसको अपॉइंट किया गया? जय शाह को। 2024 तक उनका टेन्योर बढ़ाया गया है। उनको 2021 के अंदर ही बनाया गया था, लेकिन उनको इस साल री अपॉइंट किया गया है। उनसे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? नजमुल हसन पेपन, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे, राइट। ओके, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ कि अभी जो एशिया कप 2022 जो होने वाला है T20 फॉर्मेट वाला, वो कहाँ पे होने वाला है? श्रीलंका। वो कब से कब तक होने का? 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाला है, राइट। तो एशिया कप 2022 का इवेंट T20 फॉर्मेट वाला कहाँ पे होने वाला है? श्रीलंका। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अदर अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ तो पंकज खिमजी, जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर के अपॉइंट किए गए हैं, पंकज खिमजी, राइट। तो उसका रिकॉर्डर कहाँ पे है, कब फाउंड किया गया था, एशिया कप की जो भी टूर्नामेंट है वो संभालता है, राइट, एशियन क्रिकेट काउंसिल, राइट। ओके, नेक्स्ट। अभी रिसेंटली एशिया बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ था। एशिया बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ था कहाँ पे? दोहा के अंदर, राइट। ये 19th एडिशन था ये इवेंट का। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप का 19th एडिशन था, उसमें से आठ बार ये एडिशन किसने जीता है? पंकज अडवाणी। मतलब देखो, अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कोई टूर्नामेंट अगर 19 बार हुआ है अभी तक इतिहास के अंदर, उसमें से 8 बार, मोर देन 50% ये टूर्नामेंट किसने जीता है? एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 के जो विनर है पंकज अडवाणी, राइट। पंकज अडवाणी की बात करें, पंकज अडवाणी इज़ एन इंडियन बिलियर्ड्स एंड फॉर्मर स्नूकर प्लेयर। वो पहले स्नूकर भी खेलते थे। उन्होंने अभी तक 16 वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल जीत चुके हैं, और उन्होंने एक बार वर्ल्ड टीम बिलियर्ड चैंपियनशिप भी जीती है, राइट, पंकज अडवाणी। उन्होंने आज तक अर्जुन अवार्ड पद्म भूषण उनको 2018 के अंदर मिला, पद्मश्री 2009 के अंदर मिला, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी उनको मिल चुका है। मतलब पद्म विभूषण और भारत रत्न के अलावा उनको हर कोई अवार्ड मिल चुका है। उनको निकनेम के नाम से भी जाना जाता है कि द प्रिंस ऑफ इंडिया, द गोल्डन बॉय एंड द प्रिंस ऑफ पुणे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द प्रिंस ऑफ इंडिया, द गोल्डन बॉय एंड द प्रिंस ऑफ पुणे, ये निकनेम कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के हैं? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ओके। और ये एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 जो अभी दोहा कतर के अंदर हुआ, वो किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता, राइट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। अभी केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इंडिया का एक टारगेट है कि वो 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करेगी। राइट। अभी क्या मतलब 2070 के बाद हम व्हीकल्स नहीं दौड़ाएंगे क्या? 2070 के बाद इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, तो कार्बन एमिशन कैसे ज़ीरो होगा? तो यहाँ पे जो वर्ड है नेट, उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हम जितना कार्बन एमिशन क्रिएट करेंगे ना, उतना ही इक्विवेलेंट हमको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अभी सिनेरियो क्या है कि हम जितना कार्बन एमिशन
क्रिएट कर रहे हैं उससे बहुत कम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया ने 2070 का एक टारगेट रखा है कि 2070 तक हम जितना कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। जिसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन। वही सेम कॉन्सेप्ट होता है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के अंदर। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है कि जहाँ पे फार्मिंग के दौरान जितना भी कार्बन प्रोड्यूस होता है वो उतना कार्बन को कोई एक जगह पे स्टोर किया जाएगा और फिर उस कार्बन को कोई एक जगह पे मतलब कोई कोल प्रोडक्शन के अंदर किसी न किसी जगह पे उसको यूज़ किया जाएगा, राइट। मतलब जो कार्बन एमिशन एटमॉस्फेयर में नहीं होने देना है, एटमॉस्फेयर में से कार्बन को कलेक्ट करके फिर उसको कोल प्रोडक्शन के अंदर या कोई ना कोई जगह पे उसको रीयूज़ करना है, राइट। जिसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। और ये पहली बार कौन सी स्टेट पे हो रहा है? केरला के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके लिए केरला ने कितना रुपीज़ का खर्चा किया है? 6 करोड़ का, ओके। एंड हाँ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग क्या है कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इज अ टेक्निक, वो एक टेक्निक है ऑफ डिक्रीजिंग द कार्बन एमिशंस एंड एड द कार्बन स्टोरेज इन द सॉइल। तो द टेक्निक सजेस कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करने से कार्बन स्टोरेज बढ़ता है सॉइल के अंदर? तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथड से, क्रॉप रोटेशन से, फर्टिकेशन से, प्रिसीजन फार्मिंग मेथड से, राइट। ये सब मेथड को अगर आप यूज़ करोगे ना ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फार्मिंग, तो जो सॉइल की जो कैपेबिलिटी है कार्बन को स्टोर करने की वो इंक्रीज़ होती है, राइट। कार्बन को एब्जॉर्ब करके वो कैपेबिलिटी वो इंक्रीज होती है, राइट। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, राइट, ओके। अभी रिसेंटली एक फिफ्थ एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया। कौन सी संस्था के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। देखो कन्फ्यूज नहीं होना है कि अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया? नीति आयोग। कितनी वुमेन को दिया गया? 75 वुमेन को। जो नीति आयोग की जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती थी उसमें से 75 वुमेन को ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड का फिफ्थ एडिशन था, राइट। अभी ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वो नीति आयोग के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो महिलाएं इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास एक इनोवेटिव आइडिया होता है, अगर उसको नीति आयोग के द्वारा सिलेक्ट किया गया और वो आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा टेक्निकल और फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर में से 75 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये उसका फिफ्थ एडिशन है, राइट, 75 वुमेन को, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि WTI अवार्ड कौन देता है? नीति आयोग। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कौन से संस्था का है? नीति आयोग का है। और थर्ड उसकी बात करूँ कि ये जो अवार्ड पहले लॉन्च किया गया था वो किसके किसके कौन कौन से संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो UN के द्वारा, सिस्को आपने कंपनी का नाम सुना होगा, उसकी एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर एक प्राइवेट और हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की एक समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। तो सिस्को ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया था। मतलब एक वन ऑफ द पार्टनर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की एंड ग्रांट थॉर्नटन भारत। ये चार संस्था ने मिल के ये अवार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया था और ये अवार्ड हर साल नीति आयोग के द्वारा WTA अवार्ड वुमेन्स को दिए जाते हैं, ऐसे वुमेन के जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद कर रही है, राइट, ओके। अब नीति आयोग के बारे में तो आपको पता ही होगा, नीति आयोग जब कांग्रेस गवर्नमेंट की थी तब उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जब हाँ, राइट, ओके। जब मोदी गवर्नमेंट है तब उसका नाम रखा गया नीति आयोग। नीति आयोग के CEO है, उसके CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, राइट। उसके चेयरपर्सन जो होते हैं ना वो PM होते हैं, ऐसा नहीं कि PM मोदी है, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो उसके चेयरपर्सन रहेंगे नीति आयोग के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे मैंने नीति आयोग के बारे में लिखा है कि जो वुमेन्स कौन कौन से सेक्टर में से उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जो पब्लिक एंड कम्युनिटी सर्विस में अच्छा काम करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अच्छा काम करती है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर अच्छा काम करती है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नए नए डेवलप करने में अच्छा काम करती है, क्लाइमेट एक्शन के अंदर
जो वुमेन ने इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, प्रमोट आर्ट एंड कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर जो वुमेन ने अच्छा काम किया है। तो मतलब ये सेक्टर में से अगर जो कोई वुमेन इनोवेटिव काम कर रही है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग के द्वारा। और हर बार कोई ना कोई एक ये जो अवार्ड समारंभ होता है तब एक एंथम उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रखा जाता है। और इस बार का जो एंथम है उसको कंपोज किया था बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के द्वारा। एक बार जस्ट पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर लाइन नहीं लग रही है लेकिन एक बार पढ़ लेना। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके अभी रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी लॉन्च किया गया, एक संस्था है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। देखो एक सर्वे का नाम है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे और संस्था का नाम है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये संस्था वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में, सबसे पहले तो ये तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के अंडर में है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी के अंडर में ये संस्था काम करती है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। जो हमारी पॉपुलेशन गिनती होती है ना एवरी 10 साल, अभी लास्ट 2011 के अंदर हुई थी, अब 2021 के अंदर होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन पहली बार हमारी पॉपुलेशन गिनती डिजिटल हो रही है वो भी ये संस्था ही कर रही है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो ये क्वार्टर टू का डेटा है, आप देख सकते हो ये क्वार्टर टू का डेटा है। तो एवरी क्वार्टर के अंदर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च करती है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर होता क्या है, तो 3 चीज़ों का रिपोर्ट होता है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये 3 चीज़ों का रिपोर्ट हर एक क्वार्टर के अंदर ये संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाता है अंडर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे के अंडर में, राइट। अभी जो रिपोर्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहा है कि इंडिया के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सबसे पहले मैं बात करूँगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये एक चीज़ देखो कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 30 करोड़ लोग ये लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब लेबर फोर्स के अंदर दोनों लोग आ गए, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर, राइट। ब्लू कॉलर मतलब जो वर्कर टेक्नीशियन कैटेगरी के हैं, जो वाइट कॉलर मतलब जो डेजिग्नेशन जिनका अच्छा है सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो वाइट कॉलर, राइट। तो वो दोनों लेबर फोर्स के अंदर आते हैं, राइट। तो टोटल 130 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स के अंदर हैं उसका जो रेट है उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, तो फॉर एग्जांपल 30, यहाँ पे 30 करोड़ लोग लेबर फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें से 10 करोड़ लोग वो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स कितने हैं लेबर फोर्स में से उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करो तो उसको मेजर करने का एक अलग ही फंडा है उसका, वो मेजर करती है करंट वीक स्टेटस, करंट वीक स्टेटस के फंडे के ऊपर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर किया जाता है, करंट वीक स्टेटस। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल कि एनएसओ का कोई बंदा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का कोई बंदा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, यहाँ पे अगस्त को ले लेते हैं क्योंकि सेकेंड क्वार्टर का है, जुलाई अगस्त सितंबर बराबर, तो 7 अगस्त को कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंदर रेंडमली अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करने के लिए गया, तो वो क्या करेगा कि 7 अगस्त को गया तो वो करंट वीक मतलब 1 से 7 तारीख के अंदर जितने भी लोग हाजिर हो गए, प्रेजेंट हो गए, उसको वो इम्प्लॉय मानेगा, और जितने भी लोग प्रेजेंट नहीं हो गए भले वो इम्प्लॉयड है लेकिन वो कोई ना कोई वजह से अगर वो 7 दिन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करने का एनएसओ का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जो फंडा है, जो करंट वीक स्टेटस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके तो नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर। और ये एस्टेब्लिश किया हुआ सेंटर को किसने लॉन्च किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। देखो
सबसे पहले तो ये जो ब्रिक्स वैक्सीन आरएनडी सेंटर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड द वैक्सीन्स टू द ब्रिक्स कंट्री। जो ये सेंटर के ऊपर जितनी भी वैक्सीन डेवलप होगी वो उस वैक्सीन पहुंचाई जाएगी ब्रिक्स कंट्रीज़ को। ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एक्चुअली ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था ब्रिक से, साउथ अफ्रीका पहले उसका पार्ट नहीं था, साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन हुआ और ये जो ग्रुप है वो प्रपोज किया था रशिया के द्वारा, राइट। तो एक्चुअली 2018 के अंदर आपको पहले, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कोई भी ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो उसमें पांच कंट्री है, तो हर साल अलग अलग कंट्री एक ग्रुप की प्रेसिडेंसी करती है और जो कंट्री के पास उस साल प्रेसिडेंसी होती है उसी कंट्री के अंदर वो ग्रुप की मीटिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 के अंदर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो 2021 की ब्रिक्स की जो मीटिंग थी ना वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई। तो न्यू दिल्ली के अंदर जितने भी मतलब डिसीजन लिए गए उसको क्या बोला जाएगा? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाएगा, राइट। यस, कि 2021 के अंदर जो न्यू दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें जितने भी डिसीजंस लिए गए उसको बोला जाएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, राइट। और 2018 के अंदर मैं बात करूँ, अभी मैं 2018 और 2021 के क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको अभी समझाता हूँ। 2018 की जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की वो साउथ अफ्रीका के जोनिसबर्ग के अंदर हुई थी, तो वहाँ पे जो डिक्लेरेशन वहाँ पे जो डिसीजन ले गए थे उसको बोले गए जोनिसबर्ग डिक्लेरेशन, राइट। ओके, तो ये दो चीज़ आपको पता चल गई। अभी यहाँ पे जो ये ब्रिक्स वैक्सीन आरएनडी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो एस्टेब्लिश करने का जो जो विचार आया था वो जोनिसबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर आया था, कि मतलब इंडिया के अंदर ऐसा कोई सेंटर बनाना है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए वैक्सीन को डेवलप करेगी, राइट। और लेकिन उसको फाइनलाइज़ कब किया गया? तो 2021 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के दौरान उसको फाइनलाइज़ किया गया कि भाई 2022 के अंदर हम ये सेंटर को बनाएंगे, और अब फाइनली 2022 के अंदर ही सेंटर को बनाया दिया। और वो सेंटर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर वो सेंटर है और वो लॉन्च किया हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। ओके, तो और एक स्टेटिक फैक्ट की मैं बात करूँ तो इंडिया अभी तक मोर देन 150 कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करती है हर साल, और दुनिया के अंदर जितने भी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उसमें 65 से 70% वैक्सीन की रिक्वायरमेंट इंडिया के द्वारा फुलफिल होती है। तो वैक्सीन के सप्लाईमेंट के अंदर इंडिया बहुत ही आगे है पहले से, राइट। तो इसीलिए ये वैक्सीन आरएनडी सेंटर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ओके, अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लॉन्च किया गया एक संस्था के नाम से, IQAir। ये IQAir के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लॉन्च किया गया। उसने एक्चुअली तीन कैटेगरी के अंदर ये रिपोर्ट लॉन्च किया है। उसने बोला है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, कैपिटल कौन सा है, वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है और वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी। ये तीन रैंकिंग उसने दी है, राइट। तो मैं आपको उसके बारे में बात करूँ कि वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल, यहाँ पे मैंने टेबल वाइज लिखा है, सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया की जो कैपिटल है। सेकंड नंबर पे है ढाका बांग्लादेश, और थर्ड नंबर पे एन जामिना चाड, चाड एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है वो थर्ड नंबर पे सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है, राइट। और वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे चाड, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, चार नंबर पे तजाकिस्तान और पांच नंबर पे इंडिया आ रहा है, राइट। तो इंडिया कौन से नंबर पे आ रहा है? पांच नंबर पे। और वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में बात करूँ, वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में बात करूँ तो वो राजस्थान का एक भिवाड़ी करके एक सिटी है, राजस्थान का वो फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी के अंदर। फिर गाज़ियाबाद यूपी का, गाज़ियाबाद यूपी का वो सेकंड नंबर पे सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, और थर्ड नंबर पे होतान जो चाइना से है सबसे पॉल्यूटेड सिटी है थर्ड नंबर पे, बराबर। तो आपको ये याद रखना कि पहली दो सिटी इंडिया की है भिवाड़ी और गाज़ियाबाद, और थर्ड नंबर पे होतान चाइना जो वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है अभी तक अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, राइट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? IQAir। उसके मुताबिक सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड कौन है? न्यू दिल्ली। और उसके मुताबिक सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन है? बांग्लादेश। उसके मुताबिक सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो भिवाड़ी, राजस्थान, राइट। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा।
अभी नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक WHO की गाइडलाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपने पर्टिकुलर मैटर 2.5 के बारे में सुना होगा, 2.5 पर्टिकुलर मैटर 2.5। अभी WHO ने एक गाइडलाइन लॉन्च की है कि अगर पर्टिकुलर मैटर की मिनिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इससे कम पर्टिकुलर मैटर 2.5 की साइज़ होगी तो वो अपने लिए हानिकारक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाती है, राइट। अभी जैसे ही कार्बन एमिशन जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ पे ये पर्टिकुलर मैटर 2.5 का प्रमाण होगा। अभी लेकिन WHO ने बोला है कि अभी कोई कंट्री पॉल्यूटेड है वो उसका मेजरमेंट कैसे होता है कि वो कंट्री के एटमोसफियर के अंदर PM2.5 का जो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से जो कंट्री के अंदर ज़्यादा मात्रा में PM2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम साइज़ वाली है, ज़्यादा मात्रा में उसकी साइज़ PM2.5 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम साइज़ की मात्रा ज़्यादा है तो वो कंट्री ज़्यादा पोल्यूटेड है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी जगह पे PM2.5 के जो साइज़ है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम नहीं है, लेकिन जो कंट्री के अंदर उसकी ये साइज़ जो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम वाली साइज़ ज़्यादा मात्रा में है तो वो कंट्री ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सिंपल फंडा है, राइट। WHO ने पहले ये एक्चुअली लिमिट चेंज कर की है, पहले उसका उसकी उसने लिमिट रखी थी 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन ये कोई भी कंट्री ये लिमिट को मतलब अचीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए WHO ने ये लिमिट को चेंज करके फिर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रखा गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कि अभी रिसेंटली एक नेशनल अवार्ड दिया गया, स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड 2022, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा राइट। तो एक नेशनल अवार्ड है स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा दिया गया है, और ये अवार्ड के अंदर तीन कैटेगरी मेन है, बाकी बहुत सारी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया, लेकिन तीन कैटेगरी मेन है कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी के अंदर किसको मिला गया? नीरज चोपड़ा, ये रहा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी, नीरज चोपड़ा। और स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी के अंदर मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया। जो नीरज चोपड़ा वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? ज्वेलिंग। और मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? वेट लिफ्टिंग। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल मिला था, और मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग के अंदर, राइट। और तीसरी एक अवार्ड के इम्पोर्टेंट अवार्ड की बात करूँ तो ये टेबल के अंदर है नेशनल टीम ऑफ द ईयर, नेशनल टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है? इंडियन मेंस हॉकी टीम, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। तो आपको ये तीन अवार्ड याद रखने हैं कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी मीराबाई चानू, और नेशनल टीम ऑफ द ईयर इंडिया मेन हॉकी टीम, राइट। और बाकी बहुत सारी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड कमलप्रीत कौर और विजय शर्मा, राइट। बहुत सारे कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड दिए गए, एक बार आपको पढ़ लेना है। बाकी ये तीन अवार्ड मेन है, नेशनल अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा दिए गए हैं, राइट। ओके, भी देखो एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली एस्ले बार्टी ने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट, ओके, 25 के एज के ऊपर, 25 के एज के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया तब वो टॉप पोजीशन पे थी, वर्ल्ड नंबर वन थी, राइट। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अभी रिसेंटली एस्ले बार्टी ने जो रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो वुमेन टेनिस प्लेयर थी, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी, और 25 के एज के ऊपर उसने रिटायरमेंट लिया। और जब वो रिटायर हुआ तब जब वो रिटायर हुई तब वो वर्ल्ड नंबर वन थी, और ऐसा करने वाली कि जो टॉप पोजिशन के ऊपर रिटायरमेंट लेने वाली वो दुनिया की दूसरी वुमेन है। तो पहली वुमेन कौन सी है? जस्टिन हैनिन, जस्टिन हैनिन जो वर्ल्ड नंबर वन थी
जब वो रिटायरमेंट हुई 2008 के अंदर, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एश्ले बार्टी जो अभी रिटायरमेंट हुई वो टेनिस से बिलोंग करती थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी, वो दूसरी वुमेन थी कि जिसने वर्ल्ड नंबर वन की पोजीशन के ऊपर रिटायरमेंट अनाउंस किया, और ये पहली वुमेन कौन थी, सी जस्टिन हैनिंग। ओके तो चलो ठीक है, उसने अभी तक 3 ग्रांड स्लैम जीते थे, राइट, और 25 साल की एज के अंदर वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ओके चलो ठीक है। अभी एक और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के एक स्मार्टफोन इंश्योरेंस देने के लिए, स्मार्टफोन इंश्योरेंस कोई नई बात नहीं है, स्मार्टफोन इंश्योरेंस देने के लिए अभी रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। अभी हर कोई बैंक कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कोई ना कोई इंश्योरेंस लॉन्च करता है, यहाँ पे स्मार्टफोन इंश्योरेंस लॉन्च किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अभी यहाँ पे जो बैंक है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक, वो पहली बार कोई पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कोई इंश्योरेंस लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ए और पहली पेमेंट बैंक कौन सी ऐसी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप करके एक स्मार्टफोन इंश्योरेंस लॉन्च किया है। अभी एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में आपको बताऊँ, वो इंडिया की पहली पेमेंट बैंक है, फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो एयरटेल पेमेंट बैंक की है, फर्स्ट पेमेंट बैंक है इंडिया की, राइट, एयरटेल पेमेंट बैंक। अभी आपका होमवर्क रहेगा कि इंडिया के अंदर सबसे लास्ट, अभी मतलब जो लेटेस्ट पेमेंट बैंक बनी है वो कौन सी बनी और कौन से साल के अंदर बनी, राइट, और इंडिया के अंदर कितनी पेमेंट बैंक है वो भी आपको फाइंड करना है। पेमेंट बैंक अगर आपको ओपन करनी है तो आपके पास कितना ऑथोराइज कैपिटल चाहिए, 100 करोड़ रुपया। अगर आपको पेमेंट बैंक ओपन करनी है तो आपके पास 100 करोड़ रुपया ऑथोराइज कैपिटल चाहिए, और अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपके पास कितना ऑथोराइज कैपिटल चाहिए, 200 करोड़ रुपया, राइट, आपके पास 200 करोड़ रुपया ऑथोराइज कैपिटल चाहिए। तो ये आपका थोड़ा सा बाइफरकेशन याद रख लेना कि पेमेंट बैंक के लिए कितना पैसा ज़रूरी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना पैसा ज़रूरी है, कितनी पेमेंट बैंक है इंडिया के अंदर, कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया के अंदर, कौन सी पेमेंट बैंक पहली पेमेंट बैंक थी इंडिया के अंदर, कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया के अंदर, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, राइट, एग्जाम के अंदर। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओके अभी रिसेंटली एक और एक संस्था एस्टेब्लिश की गई, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और ये संस्था का मेन मोटिव है एस्टेब्लिश करने का कि इट विल इंकरेज द फाइनेंशियल इनोवेशन थ्रू एन इंस्टीट्यूशन सेटअप। द हब एम्स टू प्रमोट द इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाई लिवरेजिंग द टेक्नोलॉजी। देखो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, अभी आरबीआई अभी तक क्या था कि जितना मैं इनोवेशन फाइनेंशियल सेक्टर के होता था ना, उसका रेगुलेशन, उसकी देखरेख आरबीआई करता था। अभी आरबीआई ने क्या कहा कि भाई अभी मुझे इसकी एक अलग डिपार्टमेंट ही बना देना है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत वास्ट हो गया है, जो इनोवेशन सेक्टर है फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग के अंदर वो एक वास्ट हो गया है। तो अभी उसके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट ही बना गया है, एक अलग सी संस्था ही बनाई गई, और उसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, आरबीआई की तरह उसको बनाया गया है। और उसके पहले चेयरपर्सन किसको बनाए गए, क्रिस गोपाल कृष्णन। क्रिस गोपाल कृष्णन जो पहले इन्फोसिस के चेयरमैन थे, अभी उसको ये आरबीआई इनोवेशन हब के चेयरमैन बनाए गए हैं, पहले चेयरमैन, वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया गया है, और आरबीआई की तरह उसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो आरबीआई की मैं बात करूँ, आरबीआई वो पहली अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। उसके जो डेप्यूटी गवर्नर है 4, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, डॉक्टर एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये 4 उनके डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ओके नेक्स्ट। ओके अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया गया, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया गया कौन सी संस्था के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, राइट। अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स क्या है कि कौन सा स्टेट उसकी जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर्स के लिए एकदम फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट ये इंडेक्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाता है, ऐसा नहीं। कौन से स्टेट की जो पॉलिसीज़ है वो एक्सपोर्टर्स के लिए फेवरेबल है, उस स्टेट का रैंक या ये इंडेक्स के अंदर ऊपर होगा, राइट। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने, ये उसका सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2021 के अंदर उसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का नीति आयोग के द्वारा। और ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में आपको दिखाया है कि ओवरऑल कैटेगरी के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे ये जो स्टेट है गुजरात, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटका, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ नंबर पे
हरियाणा, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर की बात करूँ। और कैटेगरी वाइज में अगर बात करूँ तो हिमालयन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट फेवरेबल स्टेट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। कोस्टल स्टेट्स मतलब जिसके आसपास समुद्र है तो उसमें सेम कैटेगरी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और जिस इंडियन टेरिटरी ऑफ सिटीज की बात करूँ तो दिल्ली, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर वो टॉप 3 में आते हैं इंडियन टेरिटरी और सिटी की बात करूँ पर्टिकुलरली। तो ये आपको ये कैटेगरी वाइज याद रखना है कौन से स्टेट का क्या, मतलब टॉप 3 आपको याद रखना है और ओवरऑल कैटेगरी के अंदर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक कैटेगरी रह गई है यहाँ पे मुझे मेंशन करने की। यहाँ पे देखो मैंने हिमालयन स्टेट्स के बारे में बात की, कोस्टल स्टेट्स के बारे में बात की, यूनियन टेरिटरी और सिटीज के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे नॉन कोस्टल स्टेट्स मतलब जो लैंडलॉक स्टेट्स है, लैंडलॉक स्टेट्स है उसके बारे में बात नहीं की। तो लैंडलॉक स्टेट के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे हरियाणा और सेकंड नंबर उनके नीचे है उत्तर प्रदेश, राइट। तो लैंडलॉक स्टेट्स के बारे में बात करूँ मतलब जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है वहाँ पे भी एक्सपोर्ट फेवरेबल कंडीशंस है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश वहाँ पे टॉप 2 के अंदर है, राइट। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग, कैटेगरी वाइज और ओवरऑल कैटेगरी के अंदर आपको रैंकिंग याद रखनी है। और बाकी ये सेकंड एडिशन है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि अभी रिसेंटली इंडिया और WHO ने एक पैक्ट साइन किया है टू सेटअप द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, कहाँ पे, जामनगर के अंदर, गुजरात। बराबर, जामनगर गुजरात के अंदर है। ओके, कि देखो न्यूज़ क्या है कि अभी एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, अभी अभी हमने तो कुछ ही न्यूज़ पहले एक ग्लोबल वैक्सीन R&D सेंटर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुए होते हुए दिखा न्यू दिल्ली के अंदर। अभी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर मतलब, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़, जो कोई क्रॉप हमारे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ग्रो होता है और उसके अंदर से हम मेडिसिन बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट। तो हर एक कंट्री की ट्रेडिशनल मेडिसिन अलग अलग होती है हर एक कंट्रीज के, राइट। तो ये सेंटर को एस्टैब्लिश करने का मेन मोटिव ये है कि टू सपोर्ट द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट करेगी ये सेंटर इन डेवलपिंग द पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखो जो अब अभी अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक मिशन चल रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रोल एकदम मजबूत बने उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी पॉलिसीज बनाने के लिए, उसके एक्शन प्लान्स को रेडी करने के लिए जो कंट्री को, अलग अलग कंट्री को जो भी सपोर्ट चाहिए होगा टेक्निकल फाइनेंशियल वो ये संस्था देगी, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। और इस संस्था को इंडिया और WHO के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, WHO के बारे में बात करूँ तो WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रेस एडनोम, उसके हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और फाउंड हुआ था 1948 के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक न्यूज़ है कि बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया 108.81 करोड़ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये NARCL का फुल फॉर्म है। देखो ये न्यूज़ से ज़्यादा ये संस्था इम्पोर्टेंट है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अभी ये संस्था एक्चुअली क्यों बनाई गई, क्या अभी तक आपको जो बैंक्स कोई पर्टिकुलर कस्टमर को फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की लोन देता है, 100 करोड़ की लोन देता है, राइट। अभी वो जब भी कोई लोन देगा तब कुछ ना कुछ कोलेटरल या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो अपने पास रखेगा, राइट। तो कोई पर्सन को उसने 100 करोड़ की लोन दी है, अगर वो पर्सन वो लोन की रीपेमेंट नहीं करता है और वो उसका अकाउंट बन गया NPA, उसका अकाउंट क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक, NPA बन गया, तो अभी बैंक क्या करेगा, वो जो उसके पास सिक्योरिटी है जो उसने कोलेटरल रखा था वो पर्सन का, वो पर्सन 100 करोड़ लेके बाहर भाग गया विजय माल्या जैसे, राइट। तो वो बैंक क्या करेगा, उस उसकी रिकवरी करने के लिए वो उसके पास जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है जो सिक्योरिटी उसको मतलब नीलाम करेगा, लेकिन नीलाम करने से उसको मतलब 100 करोड़ तो आने वाले हैं नहीं, जितना भी पैसा मिलेगा 50, 60, 70 करोड़ रुपया वो बैंक लेके निकल जाएगा, राइट। तो ये जो रिकवरी करने का जो अभी तक काम अभी बैंक कर रहा था, जो NPS को रिकवरी करने का काम अभी तक कौन कर रहा था, बैंक अपने लेवल पे करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक अलग से संस्था ही बना दी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।
ये संस्था का काम ही ये है कि जो बेड लोन्स है, मतलब जो लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ, जो एनपीए हो चुकी है, उसका रिकवरी करना। तो बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी ये संस्था को कि भाई तो ये बैंक, ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, उसको बोलेगी कि भाई तो ये मेरा एनपीए है, मैंने एक पर्सन को 100 करोड़ का लोन दिया था, उसका एनपीए हो गया है, मतलब मुझे उसके पास से 100 करोड़ लेने हैं, इंटरेस्ट तो छोड़ो अभी, लेकिन 100 करोड़ लेने हैं, तो चलो मैं तुमको 80 करोड़ दे देता हूँ, तुम मेरा ये एनपीए ले लो, तुम मुझे 80 करोड़ दे दो। बैंक ये संस्था को बोलेगा कि तुम मुझे 80 करोड़ दे दो और तुम ये 100 करोड़ का एनपीए मेरे पास से ले लो। तो ये संस्था ले लेगी, फिर ये संस्था क्या करेगी, किसी न किसी तरह से रिकवरी करेगी उस पर्सन के पास से, राइट। और वो संस्था 90 करोड़ के अंदर 90 करोड़ वो रिकवरी करके 90 करोड़ कमा लेगी। मतलब ये संस्था का कितना करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ का, और बैंक को भी जो 100 करोड़ तो नहीं मिलने वाले थे, उसको 80 करोड़ मिल गया और बैंक भी निकल गई, उसको 20 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन पहले तो 100 करोड़ का नुकसान हो रहा था, उससे कम नुकसान हुआ, राइट। तो जो अभी तक काम, जो रिकवरी का काम बैंक करती थी, वो काम अभी एक गवर्नमेंट संस्था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कर रही है गवर्नमेंट के बिहाफ में। अभी इससे एक फ़ायदा क्या है कि अभी तक देखो 50, 60, 70, 80 करोड़ का बैंक है ना, मतलब बैंक का मेन प्रॉफिट है लोन से, तो वो क्या है कि कभी कभार ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की मतलब लालच की वजह से कोई भी मतलब पर्सन को लोन दे देती है, फिर वो उसका एनपी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है यार, राइट, फिर वो बैंक घाटे में चला जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने उसी को ही रेगुलेशन करने के लिए, अगर कोई बैंक का ये एनपी है, जो एनपीए बैंक को इस संस्था को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा रहेगा कि भाई कौन सी बैंक के कितने एनपीए इस संस्था के द्वारा के पास आ रहे हैं। तो क्या है कि बैंक भी अपनी मतलब एक सोच समझ के किसी को लोन देगी, राइट। तो ये एक मेन पर्पस है, राइट। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बाकी ये बैंक ऑफ इंडिया ने उसके अंदर 108 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कतार 2022 के अंदर कतार के अंदर होने वाला है, उसका अभी स्पॉन्सर अनाउंस किया गया बायजू। ये न्यूज़ छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायजू हमारी इंडियन संस्था है, एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है बायजू, वो अभी स्पॉन्सर अपॉइंट किया गया है फीफा वर्ल्ड कप, दुनिया की सबसे महंगी इवेंट में से एक इवेंट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जो कतार के अंदर होने वाला है, उसके स्पॉन्सर कौन बनेगी, बायजू, राइट। तो ये आपको ये एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंशन दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, कब तक, 2022 तक, सितंबर 2022 तक। अभी सबसे पहले तो मैं बात करूँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर आपको पता ही है कि 5 किलोग्राम फ्री राशन दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ, राइट। एंड हाँ, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में जो लोग आते हैं, मतलब जो पुअर पुअर पीपल है, उनको पर पर्सन पर मंथ 5 kg फ्री राशन दिया जाता है, राइट। 5 kg के अंदर में पर्टिकुलर बात करूँ तो जो राशन के अंदर तीन चीज़ मिलने दी जाती है, तीन चीज़ कौन कौन सी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये रहा राइस, वीट और कोर्स, राइस, वीट और कोर्स, 5 kg में 3 kg राइस, 2 kg वीट और 1 kg कोर्स दिया जाता है, और ये फ्री होता है पर पर्सन पर मंथ, यस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर में, राइट। ये योजना लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर, राइट, और गवर्नमेंट ने उसके लिए आई थिंक अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपया अभी तक खर्चा कर लिया है, और ये जो 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है ना, 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, सितंबर 2022 तक, उसी के लिए गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ रुपया अनाउंस किया है, मतलब 6 महीने का है उसका खर्चा 80,000 करोड़ रुपया है। तो मतलब अभी 2020 के अंदर लॉन्च किए, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट कवर होने को आए, तो अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपया अभी तक गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के पीछे दे दिए हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 6 महीने के लिए एक्सटेंड की गई सितंबर 2022। मतलब ये योजना के अंदर में जो 5 kg फ्री राशन दिया जाता है ना पुअर पीपल को, वो कंटिन्यू दिया जाएगा सितंबर 2022 तक, उसके लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल 80,000 करोड़ रुपया अनाउंस किए हैं, बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने हैं, राइट। अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि सूरत इन गुजरात गेट्स द इंडियाज़ फर्स्ट
स्टील रोड। अभी इंडिया का पहला स्टील रोड सूरत के अंदर बन रहा है, इसका मतलब क्या कि स्टील के रोड बनेंगे? नहीं, मतलब रोड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ हो रहा है ना, उसके अंदर जो स्टील इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है, जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट निकलता है वो मिक्स किया जाएगा। मतलब जो डिकम्पोजिट होता है, जो वेस्ट अभी तक जिसका मतलब एकदम फेंका जा रहा था, राइट, स्टील इंडस्ट्री का जो वेस्ट, उसको रीयूज किया जाएगा यहाँ पे, उसको मिक्स किया जाएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, रोड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, और उसकी जो मिक्सिंग के बाद जो मटेरियल बनेगा उससे रोड बनाया जाएगा, तो उसको बोला जाता है स्टील रोड। तो इंडिया का पहला स्टील रोड कहाँ पर बनाया जाएगा? सूरत के अंदर। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो रिसर्च है, वो कौन सी संस्था ने की है? तो ये रिसर्च है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में एक संस्था है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। और ये रिसर्च को इम्प्लीमेंट, मतलब रोड को बनाएगा कौन, तो एक कंपनी है आर्सेलो मित्तल निप्पन स्टील इंडिया, ये कंपनी के द्वारा ये रोड बनाया जाएगा, राइट, सूरत के अंदर। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि इंडिया का पहला स्टील रोड कहाँ पर बनने जा रहा है, सूरत के अंदर। कौन बना रहा है? तो आर्सेलो मित्तल निप्पन। और कौन सी संस्था ने इसको रिसर्च किया है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR के अंडर में काम करती है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया, उसकी हाईलाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि वो एक एशिया का लार्जेस्ट इवेंट ऑन द सिविल एविएशन, वो कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना। विंग इंडिया वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन सेक्टर का इवेंट है, जो हर बार ये बेगमपेट एयरपोर्ट जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर वहाँ पे होता है। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। विंग्स इंडिया वो हर साल वो वहाँ पे होता है, राइट, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन का, राइट। उसकी थीम रखी गई थी कि इंडिया इट द 75, इंडिया का भी 75 साल कंप्लीट हुए आज़ादी के, न्यू होरिजोन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। यस, उसकी थीम क्या रखी गई थी कि इंडिया इट द 75, न्यू होरिजोन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, उसकी थीम रखी गई थी, राइट। और ये इवेंट को तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, उसके उसके द्वारा होस्ट किया गया था। कि विंग इंडिया इज़ अ फोरम कनेक्टिंग द बायर्स, एक ऐसा फोरम है, एक ये जो प्रोग्राम है, एक ऐसा फोरम है जो बायर्स को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करता है फॉर द न्यू बिजनेस एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन द सिविल एविएशन, कॉमर्शियल, जनरल एंड बिजनेस एविएशन, राइट। तो ये विंग इंडिया जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन का जो इवेंट है, वो बायर, सेलर, स्टेक होल्डर को कनेक्ट करने के लिए इवेंट बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं, राइट, एक दूसरे के कंट्री को मतलब प्रॉफिट हो, राइट। तो ये इवेंट हर साल तेलंगाना, हैदराबाद होस्ट करते हैं। हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है बेगमपेट एयरपोर्ट, वहाँ पर ये होता है। ओके, अभी यहाँ पर एक संस्था है CSIR, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की बात करूँ, उसके CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु, ये इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ये विंग्स इंडिया के दौरान। वो इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी अनाउंसमेंट की गई है कि इस काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा एक हंसा न्यू जनरेशन नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है। हंसा न्यू जनरेशन वो डिज़ाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? CSIR NL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो CSIR के अंडर में काम करती है, उसी के द्वारा ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। ये हंसा न्यू जनरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड 2-सीट फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये, और पावर्ड बाय द रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजिन, एक इंजिन का नाम है, विद द यूनिक फीचर्स लाइक द जस्ट इन टाइम प्रीपेक। वो आपको आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्या है कि हंसा न्यू जनरेशन जो एक 2-सीटर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, राइट, वो कौन सी संस्था के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है? CSIR NL के द्वारा, राइट। तो उसका भी अनाउंसमेंट ये इवेंट के दौरान वो कंपनी के द्वारा किया गया था। दूसरी बहुत सारी चीज़ें वो NL के द्वारा बनाई गई है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन, हेलीकॉप्टर नहीं, मल्टीकॉप्टर ड्रोन यहाँ पे बनाए गए हैं NL के द्वारा। और उसकी यूनिक फीचर क्या है कि वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक है और वो बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ द साइट, BVLOS, एक कैपेबिलिटी उसकी ये है कि अगर कोई धुम्मस ऐसा आगे एटमोसफियर है, फिर भी वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब वो आगे बढ़ के अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये ऐसा ड्रोन है, मल्टीकॉप्टर ड्रोन,
बियॉन्ड द विजुअल एंड ऑफ द साइट कैपेबिलिटी वाला ये ड्रोन है जो एनएल के द्वारा बनाया गया है। और एक दूसरी तीसरी एक प्रोडक्ट सारा एम के टू, सरस एम के टू, ये एक आई थिंक एक एयरक्राफ्ट ही है, सरस एम के टू के एक 19 सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 19 सीटर का, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर सके, ट्रूप को ट्रांसपोर्ट कर सके, वीआईपी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सके, और कभी कभार वो एयर एम्बुलेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो ये सरस एम के टू कैटेगरी का एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी एनएल के द्वारा बनाया गया है, जो यहाँ पे शोकेस किया गया था विंग्स इंडिया के इवेंट के दौरान। और एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, एक ड्रोन का नाम है एचएपी, कि जो यूएवी है, अनमैन एरिया व्हीकल, मतलब एक ड्रोन का नाम है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर काम कर सकता है, हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, फॉर 4 से 90 डेज तक वो काम कर सकता है। तो ऐसा भी एक ड्रोन बनाया गया था एनएल के द्वारा, वो भी यहाँ पे शोकेस किया गया विंग्स इंडिया के दौरान। देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स, फिर ये सरस एम के टू, फिर ये मल्टी कॉप्टर ड्रोन्स, इवन ये सब किसने बनाए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके उसकी प्रॉपर्टी आपको कोई नहीं पूछेगा कि कितना मतलब हाइट पे जा सकता है, कितना वो काम कर सकता है, वो ना कोई नहीं पूछेगा, वो किसने बनाया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? अभी उसी विंग इंडिया इवेंट के दौरान एक दो संस्था ने एक हैंड ज्वाइन किए, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दो संस्था ने एक अभी हैंड ज्वाइन किए कि टू डेवलप द इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो हम यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो प्लानिंग जो होता है उसको मैनेज करने के लिए, जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हम अभी इंप्लीमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, वो हम वो मैनेजमेंट सिस्टम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। तो अभी इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी संस्था के साथ पार्टनरशिप की? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की। बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखना है कि अभी ड्यूरिंग द विंग्स इंडिया जो 2022 जो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ, कि वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की टू डेवलप द इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट? तो आपको यहाँ पे वो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा ब्रीफ लिखा है, तो वो आपको एक बार जस्ट पढ़ लेना है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? देखो और इसी इवेंट के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, उसमें से है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट इन एविएशन इनोवेशन, राइट? मुंबई एयरपोर्ट अवार्ड द एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट अवार्ड, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट अवार्ड के अंदर मुंबई एयरपोर्ट, फिर बेस्ट एयरपोर्ट और एविएशन इनोवेशन, इनोवेशन कैटेगरी के अंदर बेंगलुरु है, और एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के अंदर मुंबई है, फिर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेक्स कोविड चैंपियन, कोविड के दौरान उसने बहुत अच्छा काम किया था, फिर विस्तारा जो एक एयरलाइन है आपको पता होगा, नई एयरलाइन इंडिया इंडिजीनियस एयरलाइन है, उसने 3 अवार्ड्स जीते हैं, विस्तारा इंडिजीनियस एयरलाइन नहीं है, विस्तारा एक एयरलाइन का नाम है, कि विस्तारा ने 3 अवार्ड दिए हैं, एक बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन, एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट एंड कोविड चैम्पियन, ये तीनों कैटेगरी के अंदर उसने मतलब ये एयरलाइन को पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। यहाँ तक ये जो 3 अवार्ड है वो एयरपोर्ट को दिया गया था, ये 1, 2, 3 एयरपोर्ट का है, यहाँ पे यही तीन अवार्ड एयरलाइन को देकर और एक सिंगल एयरलाइन को मिला है विस्तारा को, राइट? फिर अदर अवार्ड्स के अंदर द स्टेट ऑफ द केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका हैव बीन नेम्ड द मोस्ट डायनेमिक स्टेट्स इन द एविएशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट में से मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की बात करें तो जितेंद्र सिन्हा वो इंडियन मिनिस्टर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विजय कुमार सिंह। तो आई थिंक आपको पूरे ये जो इवेंट है, पूरा इवेंट उसके अंदर से आपको कौन सी चीज़ किसने बनाई, क्या क्या अवार्ड, कौन कौन से अवार्ड किसको दिए गए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो कहाँ पे हुआ ये विंग इंडिया, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है, राइट? ओके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया एक जल शक्ति अभियान, एक अभियान, और उसका एक थीम रखा है कैच द रेन कैंपेन 2022। ओके देखो फॉर द ईयर 2022 द जल शक्ति अभियान एक अभियान लॉन्च किया है, और एक कैंपेन है कैच द रेन, रेन को पकड़ो, मतलब रेन के जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए, उसको हाँ किसी न किसी तरह हार्वेस्ट किया जाए और उसका फिर रीयूज़ किया जाए। एक जल शक्ति अभियान के अंदर में एक कैंपेन लॉन्च किया कैच द रेन रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है, राइट?
और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑल्सो फैसिलिटेट द फर्स्ट प्राइज विनर्स ऑफ द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020। देखो नेशनल वाटर अवार्ड जो वाटर सेक्टर के अंदर जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये नेशनल वाटर अवार्ड दिया जाता है, तो उनकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी इवेंट के ऊपर ये कैंपेन के लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने की, राइट। और सेवंथ एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स इवेंट इंडिया वाटर वीक 2022 प्लान टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द 1 to 5 नवंबर एट द इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। ओके देखो क्या बोलता है कि जो इंडिया वाटर वीक की जो हम सेलिब्रेशन करते हैं ना 1 से 5 नवंबर की, तो ये इस बार का जो 2022 के अंदर जो 1 से 5 नवंबर के दौरान जो इंडिया वाटर वीक का जो इंटरनेशनल इवेंट होगा, राइट, वो कहाँ पे होगा, इंडिया एक्सपो सेंटर, कहाँ पे, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो 7वां ये इंडिया वाटर वीक जो होने वाला है 1 से 5 नवंबर के दौरान इंडिया एक्सपो सेंटर नोएडा के अंदर, उसकी थीम क्या रखी जाएगी कि वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इक्विटी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इक्विटी। देखो ये पैराग्राफ के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अभी रिसेंटली जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया गया, वो कौन किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। फिर ये नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 कौन देता है, कौन फैसिलिट करता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। थर्ड नंबर की जो इंडिया वाटर वीक जो 1 से 5 नवंबर के अंदर जो सेलिब्रेट होता है 2022 का इवेंट, कहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है, नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया एक्सपो सेंटर, और उसकी थीम कौन सी रहने वाली है, वो आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके थोड़ा आगे बात करें तो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन विच वॉज टेकन अप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्री मानसून एंड मानसून पीरियड दैट इज फ्रॉम मार्च अप टू द 30 नवंबर 2021। देखो सबसे पहली बात कि जो वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को सेलिब्रेट हुआ था 2021 के दौरान, तब ये जल शक्ति अभियान पीएम मोदी ने लॉन्च किया था कैच द रेन कैंपेन वाला, और ये अभियान चला था 30 नवंबर 2021 तक। और ये थीम मतलब जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या रखी गई थी कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कि रेन को कैच करो वेयर इट फॉल्स, जहाँ पे वो गिरता है और जब जब भी वो गिरता है तब उसको कैच करो। तो एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, क्या क्या एफर्ट हम इंडिया गवर्नमेंट करती है वाटर के कंजर्वेशन के लिए, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने ये वाटर को कंजर्व करने के लिए। और उसमें से पहला है कि गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान। देखो जल शक्ति अभियान लॉन्च कब किया था, 2019 के अंदर, लेकिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ये कैंपेन के साथ कब लॉन्च किया गया, 2021 के अंदर, कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, राइट। जल जीवन मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हर एक घर के अंदर हर एक घर के अंदर 2024 तक फंक्शनल टैप वाटर हो, फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हो, मतलब टैप कनेक्शन तो हो, नल तो हो लेकिन फंक्शनल हो, चालू हो। तो जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया गया कि 2024 तक हर एक घर के अंदर पानी आना चाहिए पीने लायक, राइट। फिर जल शक्ति अभियान 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा वाटर को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किए गए थे। और उसमें से तीसरा इनिशिएटिव 2021 के अंदर ये जल शक्ति अभियान के अंडर में ये कैंपेन कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो उसी कैंपेन के दौरान, मतलब इसी इवेंट के दौरान एक नेशनल वाटर अवार्ड भी दिए जाते हैं। और नेशनल वाटर अवार्ड जनवरी 2022 जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिए गए। और उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉलोड बाय द राजस्थान एंड तमिलनाडु। देखो कि वाटर को कंजर्वेशन करने के अंदर जो जो कैटेगरी है, ये जो नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया उसमें सबसे अच्छा काम किसने किया, उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर कौन है, राजस्थान, और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तो नेशनल वाटर अवार्ड वो नेशनल वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर दिए जाते हैं, 22 मार्च के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, राइट। और ये जो 2021 के अंदर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया था, और ये जल शक्ति अभियान तो लॉन्च किया था 2019 के अंदर, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने बहुत जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन का टारगेट, वो सब आपको याद रखना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यूपी अनसीट्स वेस्ट बंगाल एज ए इंडियाज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर, आंध्र प्रदेश रिटेन्स इट्स लीड इन द फ्रूट्स। देखो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, गेटिंग बैक इट्स फर्स्ट पोजिशन बाय द डिमोटिंग वेस्ट बंगाल टू द सेकेंड पोजिशन विद अ डिफरेंस ऑफ द मिलियन टर्न्स इन द प्रोडक्शन इन 2021-2022 क्रॉप ईयर।
आफ्टर 2 ईयर्स सिंस 2020 में। ऑन द अदर एंड आंध्र प्रदेश रिमेन्स अ टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक जस्ट टेबल याद रखना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रूट कहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर उत्तर प्रदेश। बस ये दो टेबल आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ओके और मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इंडिया अभी टू लिवरेज द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट वेजिटेबल को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर्स अभी तक ले गए। जो देखो अभी लास्ट न्यूज़ के अंदर हमने वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए उसके बारे में पढ़ा। अभी ये न्यूज़ के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कौन कौन से मेजर लिए हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें तो एक मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर स्कीम। जो हॉर्टिकल्चर है मतलब जो फ्रूट्स वेजिटेबल है उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में एक मिशन लॉन्च किया था, MIDH, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर स्कीम। कब? 2014-15 के अंदर, राइट। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, राइट। सेकेंड, ये जो मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर द हॉर्टिकल्चर उसके अंदर सब कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द हॉर्टिकल्चर नागालैंड, ये सब उसके सब मिशन हैं जो मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर के अंडर में ही बनाए गए हैं, राइट। तो और प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर सपोर्टेड अंडर द एरिया एक्सपेंशन कंपोनेंट ऑफ द MIDH स्कीम विच इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस, राइट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये बेसिकली इंडिया ने 2014-15 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की थी और उसके अंदर ये इतनी चीज़ अभी तक एस्टेब्लिश की गई है, राइट। तो हॉर्टिकल्चर किसको बोला जाता है कि इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप सच एज अ फ्रूट वेजिटेबल स्पीसीज एंड कंडीमेंट्स ऑर्नामेंटल प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक एरोमेटिक प्लांट्स। ओके तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे उसके उसको मतलब ऑर्नामेंटल हाँ प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट को हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। ओके तो ठीक है आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।